अब इस चार्ली एंड कंपनी को मेरे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के 6 बज गए हैं। इस टाइम पे वैसे तो मैं घूमने जाने की सोच रहा था, लेकिन 2 दिन से कपड़े भिगो रखे हैं मैंने। पहले कपड़े धोता हूँ, उसके बाद फिर घूमने जाऊंगा। तो अभी कपड़े धो दिए हैं, लेकिन कपड़े धोने में सारा टाइम लग गया। 7 बज गए हैं, अभी बाहर घूमने गया तो लेट हो जाऊंगा। तो अभी रूम पे एक्सरसाइज बाद में, पहले स्ट्रेचिंग करूंगा। स्ट्रेचिंग में सबसे अच्छा मेरे को लगता है सूर्य नमस्कार। इवन मेरी जो फर्स्ट जिम थी, इक्विनॉक्स जिम थी, उसमें जो हमारे ट्रेनर थे वो थोड़ा सा वार्म अप करवाने के बाद सूर्य नमस्कार ही करवाते थे। मेरे बैच में जितने बच्चे थे सारे कहते थे कि जिम में योगा कौन करवाता है। स्टार्टिंग में अजीब सा लगता था कि योगा क्यों करवा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो अभी 10 times सूर्य नमस्कार कर लिया है। कंटिन्यू 10 times नहीं, 3-3 के सेट किए मैंने। 3 बार सूर्य नमस्कार किया, फिर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की, फिर 3 बार सूर्य नमस्कार किया। अब रेगुलर एक्सरसाइज करूँगा अपनी, स्क्वाट्स, पुशअप। तो अभी अच्छे से एक्सरसाइज हो गई है, अच्छे से स्ट्रेचिंग कर ली है। अब थोड़ा सा रिलैक्स करके कुछ खाऊं पीऊंगा और फिर तैयारी करता हूं ऑफिस जाने की। सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना है, सुबह के नित्यनेम का समय हो गया है। तो अभी रेडी होके निकल रहा हूं कंपनी के लिए। ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब जा रहा हूँ ऑफिस में। और ऑफिस में आज सबसे पहले मेरे को 10 दिन पहले कंपनी प्रोजेक्ट मिला था, उसी को ही कंप्लीट करना है। जो 80% या 90% हो गया था, वो 10% भी मेरे को ही कंप्लीट करना है। एक मेरे सीनियर सर हैं, वो मेरी थोड़ी हेल्प कर देते हैं उसमें, तो हम दोनों ही मिल के उसको कर रहे हैं कंप्लीट। और ये जैकेट जो मेरे को रूम पे बिल्कुल अच्छी लग रही थी, अब बहुत प्यारी लग रही है क्योंकि ठंडी हवा चल रही है। कर लिया है और आज सुबह से ही टेक्निकल काम चल रहा है। आज चींटी की तरह धीरे नहीं, घोड़े की तरह तेज काम करना है। सिस्टम पे बैठ के सारी कैलकुलेशंस, क्या लगना है, क्या हटाना है, कितना मटेरियल आएगा, ऐसी कुछ कैलकुलेशंस करके ही वो काम करना है। ये मन है ना, बड़ा शातिर है। खड़े होकर काम करना पड़ रहा था तो ये था कि यार सिस्टम पे बैठ के काम जो करते हैं वो ठीक है, और अब सिस्टम पे आज सुबह से बैठा हूँ ना तो अब ये हो रहा है यार वो प्रोजेक्ट वाला ही काम ठीक। जताते हैं मन के मटे ना चालिए, मन है पक्का दूध, ले दरिया में छोट लगा फिर जावा हाथ से छू। तो अभी 6 बज गए हैं और हवा ठंडी होती जा रही है, होती जा रही है। इस टाइम पे अलग ही खुशी होती है जब कंपनी से रूम के लिए निकलता हूँ, लेकिन ये खुशी थोड़ी देर की है क्योंकि रूम पे जाते ही काम करने हैं। आई मिस माई होम मोम। तो अभी रूम पे आ गया हूँ मैं, रेस्ट बाद में करूँगा, पहले व्लॉग अपलोड करता हूँ। तो अभी 6:50 हो गए हैं, अभी व्लॉग की एडिटिंग की है और अपलोड पे लगा दिया है। आज रूम पे ठीक स्पीड आ रही है तो शायद रूम से ही हो जाएगा। मैं अभी कपड़े चेंज करके रूम के काम स्टार्ट करता हूँ। आज तो गजब की अपलोडिंग स्पीड थी, मैंने कपड़े चेंज किए इतनी देर में तो व्लॉग अपलोड भी कर दिया। तो अभी खाना पीना हो गया है और अभी रूम पे खाना इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दिन में जो खाना आता है ना मैस से, वो बहुत ही ज़्यादा तीखा हो रखा है कई दिन, इसलिए मैं थोड़ा सा शाम के टाइम अवॉइड कर रहा हूँ कि मैस में जाऊँ, क्योंकि दोनों टाइम इतना तीखा खाऊंगा ना तो मेरे को पता है मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए शाम को थोड़ा सा एफर्ट करके, थोड़ा रेस्ट टाइम कम करके मैं रूम पे बना लेता हूँ। कपड़े देखते हैं कितने सूख गए हैं, कितने गिल्ले हैं। कपड़े सूख गए हैं सारे, रखते हैं इनको अपनी जगह पे। अभी कपड़ों का काम तो हो गया, अब चलता हूँ बाहर अपने साथियों से मिलने, कुछ खिलाने। जितने भी ना ये 4-5 स्ट्रीट डॉग्स सारे शांत स्वभाव के, इनमें से एक है सबसे खतरनाक, वो किसी को भी नहीं खाने देता। एक स्ट्रीट डॉग का नाम रख रहा हूँ जो सबको डिस्टर्ब करता है, चार्ली। तो भी चलते हैं चार्ली और कंपनी को थोड़ा सा खिलाने। लेट हो गया क्या आज? नहीं,
तो ये है चार्ली और ये है इसकी कंपनी। बस मैं चार्ली एंड कंपनी को मेरे ऑफिस से आने का टाइम ही पता चल गया है। आज मैं जैसे ही रूम पे पहुंचा तो साथ साथ आगे मेरे पीछे ही। अब मैं करूंगा रीड ज्ञानगंगा बुक। इसके 10 पेज मैंने छुट्टी वाले दिन रीड कर लिए थे, तो अभी आधा घंटा और बुक रीड करूंगा। गुरु जी बताते हैं काम तो कभी भी खत्म नहीं होंगे, इन कामों के बीच से ही टाइम निकाल के हमने भक्ति करनी है। और भक्ति का सबसे बेस्ट टाइम भी गुरु जी बताते हैं ये यंग एज ही होती है। एक वाणी है कबीर साहब की कि रण भक्ति और दान तीनों काम जवान। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए। हेलो एवरीवन,